हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EVBasics। EVBasics में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक है कि एक ई बाइक के लिए बैटरी जो आप सिलेक्ट करेंगे, चाहे आप खरीदें चाहे आप खुद बनाएं, उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कैपेसिटी का बनाना है। एक पैरामीटर तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि जब आप एक ई बाइक किट खरीदते हो या एक ई रिक्शा किट को, पैडल रिक्शा किट को आप ई बाइक में यूज़ करते हो या आप हब मोटर लेते हो, तो उसमें आपको मोटर की वोल्टेज मेंशन्ड होती है और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज मेंशन्ड होता है। तो इस केस में आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास क्लियरली डिफाइंड होते हैं। जैसे साढ़े, नॉर्मली हम लोग ई बाइक कन्वर्ट करते हैं, वो 750 वाट का मोटर यूज़ करते हैं और उसके साथ में 48, उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 48 वोल्ट होता है। अब उसी मोटर के ऊपर और कंट्रोलर के ऊपर मैक्सिमम करंट ड्रॉ भी मेंशन्ड होता है कि कितने एम्पेरेज पे ये काम करेगा। लेकिन इसको एक बार थोड़ा आसान कैलकुलेशन के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ आप 48 वोल्ट का 750 वॉट का ई मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि बैटरी जो है वो 48 वोल्ट की होनी चाहिए और 750 वॉट की मोटर में यूज़ होना है। हमें ये भी पता है कि वोल्ट इनटू एम्प, एम्पियर इक्वल्स टू वॉट। अब हमें 48 वोल्ट मालूम है, हमें एम्पियर देखना है कि ये कितना ड्रॉ करेगा, और 750 वॉट हमें उसकी मोटर की कैपेसिटी पता है। तो एक्स एम्पियर होगा 750 वॉट डिवाइडेड बाई 48 वोल्ट, ये आ जाएगा 15.625 एम्प्स। और इसीलिए आपने नोट किया होगा कि 60 एम्प का एमसीबी हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट में, कि इससे ज़्यादा ड्रॉ ना करे ताकि मोटर ख़राब ना हो। ये एक बेसिक कैलकुलेशन आपको पता चल गई। अब इसके आगे हम बैटरी डिज़ाइन करने जा रहे हैं या बैटरी ख़रीदने जा रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालनी है, उसका हिसाब लगाने के लिए अगर हम एक घंटे का बैटरी का यूजेज देखें तो 750 वॉट की मोटर एक घंटे में जो काम करेगी वो 750 वॉट आवर की होगी। इसकी वॉट आवर जो है 750 होगा। और हर सेल या बैटरी पैक का एक रेटेड एफिशिएंसी होता है, जो नॉर्मली 70-80% होना चाहिए। उससे नीचे अगर है तो बहुत ही पुअर बैटरी डिज़ाइन है। हम 80% लेके चलते हैं, तो 750 वॉट आवर की बैटरी को, मोटर को अगर रन करना है और सिर्फ 80% एफिशिएंसी बैटरी की मिल रही है, तो 20% मतलब 1.20, ये कैसे आया? हमने 80% एफिशिएंसी लेनी है, 20% उसका घट जाएगा, तो हमने 20% बढ़ा लिया, तो ये आ जाएगा हमारा 900 वाट आवर। तो हमें एक 900 वाट आवर की बैटरी चाहिए जो हमारे 750 वाट की मोटर को एक घंटे के लिए चला सकेगी। अब हम इससे निकालते हैं कि हमें कितने एएच की बैटरी चाहिए, ये वाट आवर है। अब एएच निकालने के लिए 900 वाट आवर डिवाइडेड बाय 48 वोल्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बैटरी 48 वोल्ट की है और मोटर भी 48 वोल्ट के सिस्टम के लिए बनी है, तो ये आ गया 18.75 एएच। अगर आप 900 को 48 से डिवाइड करेंगे तो ये फिगर आएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए से 20 एएच हम लेते हैं,
इसकी बैटरी की कैपेसिटी। अब इस चीज़ से ये क्लियर है कि एक घंटे के लिए अगर हमने एक ई मोटर को मैक्सिमम स्पीड पे चलाना है तो हमें 48 वोल्ट पे अप्रॉक्सीमेटली 20 एएच का बैटरी पैक लगेगा। अब अगर हमारी ई बाइक की एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है तो 48 वोल्ट 20 एएच की बैटरी हमें देगी 35 किलोमीटर का रन। उसके बाद हमें रिचार्ज करनी पड़ेगी बैटरी। अब अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है और आप चाहते हैं कि आप अपने 750 वॉट 48 वोल्ट का जो ई बाइक है उसको आप 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाते हैं तो आपको 20 एम्पियर की बैटरी चाहिए। आप इसको 70 किलोमीटर चलाते हैं 70 किलोमीटर पर आवर सॉरी 70 किलोमीटर रेंज चलाते हैं 70 किलोमीटर रेंज चलाते हैं तो आपको 40 एएच का बैटरी चाहिए। और अगर 105 बनता है आप 100 ले लीजिए मैकेनिकल लॉसेस को लेके कर रेंज कवर करना चाहते हैं ई बाइक से तो आपको 60 एएच का बैटरी चाहिए पर चार्ज। हर चार्जिंग के बाद 20 एएच की बैटरी आपको 35 किलोमीटर रेंज देगी, 40 एएच की बैटरी आपको 70 किलोमीटर की रेंज देगी और 60 एएच की बैटरी आपको अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर की रेंज देगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि आपने अपनी बैटरी का जो पैक प्लान करना है वो आपने अपनी किट की वॉटेज वोल्टेज और के हिसाब से आपने इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है जैसे मैंने अभी आपको बताई। जो रेंज होती है वो आपके एम्पियर आवर के ऊपर डिपेंड करती है और एम्पियर आवर कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने अभी आपको बताया। आई होप ये चीज़ आपको एक इजी कैलकुलेशन के ज़रिए समझ आ गई होगी। कई मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ये क्वेश्चन डालते थे और मैं इंडिविजुअली उनको कैलकुलेशंस भेजता था तो अब मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे। इसमें एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका 60 वोल्ट सिस्टम है और 1000 वॉट की मोटर है तो आपने जहाँ जहाँ मैंने 48 यूज़ किया है वहाँ आपने 60 वोल्ट यूज़ करते जाना है, 750 की जगह 1000 यूज़ करते जाना है और इस तरह से कोई भी वेरिएबल होगा आपने उस तरीके से उसको चेंज करना है और आपको ये कैलकुलेशन बड़े आराम से पता चल जाएगी। आपको ये बैटरी की कैपेसिटी कैसे डिसाइड करनी है वो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आपने एक घंटे का रन निकालना है, फिर एक घंटे में आपकी एवरेज रेंज क्या आती है वो कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से दो घंटे के लिए अगर चलाना है और तीन घंटे के लिए चलाना है, ये बेसिकली टाइम के हिसाब से है। ये एक घंटे का रेंज है मोटर का मैक्सिमम कैपेसिटी पे, ये दो घंटे का रेंज है और ये तीन घंटे का रेंज है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और अगर इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक्स अ लॉट।